बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डिस्का कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, फेज नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें जो आपका सिलेबस इंक्लूड है वो आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 इंक्लूडेड है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला जो पोर्शन है आपका वो आपका शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, इट इज प्रिपेयर टू डिटरमिन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, तो हमारा जो पहला पोर्शन होता है क्वेश्चन का वो ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। उसके बाद जी, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट कैसे जो है वो कैलकुलेट होते हैं, किससे इसके बराबर है, तो आपकी सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी आपका द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एट, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन का तरीका करके है, तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम होगी दोनों में से। उसके बाद है जो विच अकाउंट इज अ समरी ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू की जो समरी है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल, कि नेट प्रॉफिट जो है अगर उसमें वापस एक्सपेंस ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ जी, एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो एसेट्स जिनका कोई भी जिस्मानी वजूद नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर, तो ये तीनों जो है ये एग्जाम्पल्स हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स की। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डेट्स विच आर रीपेएबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन वन ईयर, वो एसेट्स कर्जे जो आपने एक साल से कम मुदत में पे करने होते हैं, बट मोर देन वन मंथ, एक माह से ज़्यादा में, तो उनको हम लिक्विड लाइबिलिटीज जो है वो कॉल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, अ बैलेंस शीट इज अ बैलेंस शीट, जो क्या है, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक खास दिन पे। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एसेट्स का ज़्यादा होना लाइबिलिटीज से, तो जो फर्क निकलेगा वो आपका कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पोर्शन है जिसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर्स जो है वो आपने लिखने हैं। पहला जी, डिफाइन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जो है ये बुनियादी तौर पे आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से डिफाइन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो किसी फ्यूचर सर्टन इवेंट के साथ लिंक होती हैं, ठीक है, अगर कल को वो वाकया होगा तो वो आपको लाइबिलिटीज़ जो है वो अदा करनी पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद जी, डिफाइन वेस्टिंग एसेट्स, तो ऐसे एसेट्स जो कि आप इस्तेमाल करें और वो कंज्यूम होते होते ख़त्म हो जाए, उनको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। डिफाइन द टर्म डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये कि जी आपका जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वैल्यू में कमी हो रही है वो आपकी डेप्रिसिएशन है। व्हाट इज मेंट बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बैड डेट्स रिकवर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि अगर एक शख्स से आपने रकम वसूल करनी थी लेकिन वो किसी वजह से वो शख्स जो है वो रकम नहीं दे सका, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बैड डेट हो जाती है, लेकिन बाद में अगर वो रकम आपको वापस मिल जाए तो वो आपके बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 5,000, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इरफान ब्रदर्स। तो डी एस ट्वेंटी सिक्स में लिखी हुई सबसे पहले ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो होती है ये हमेशा कैपिटल में से माइनस होगी, कैश आपका करंट एसेट्स है, गुडविल जो है ये आपका फिक्स्ड एसेट है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, स्टॉक यकम जनवरी को है वो आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है ये आपका फिक्स्ड एसेट है, और फ्रेट गिवन है, फ्रेट जो है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेटर्स, डेटर जो है ये आपका करंट एसेट्स है, ट्रेड एक्सपेंसेस तो ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न्स सेल में से माइनस होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, सेल्स, ठीक है जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, कैपिटल फिक्स लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न जो है ये परचेजेस में से माइनस होगा, और बिल पेएबल जो है ये करंट लाइबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपनी स्क्रीन पे इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन है, और उसमें लिखा हुआ है कि जी ओपनिंग स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आ गया, परचेजेस है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके आपने डेबिट साइड पे लिखनी है। आपका नेक्स्ट है जी फ्रेड, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद सेल्स, सेल्स जो है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, लेस उसमें से सेल्स रिटर्न्स ये 500 है, और माइनस करके यहाँ पे आप जो है वो बाकी की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है, ठीक हो गया जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो उसके बाद ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर को नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट करना आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस एक आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है वो आपने लिखना है, और नेक्स्ट आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे जो कि आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ये जो आपका आंसर आ गया, इसके बाद नेक्स्ट आपका पोर्शन जो है वो बैलेंस शीट का है।
तो आप कैश यहाँ पे आ जाएगा, करंट एसेट्स में डेटर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये दो जगह पे आना है, उसके बाद फिक्स एसेट्स है गुडविल और बिल्डिंग, उसके बाद जी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लाइबिलिटी, बैंक पेबल, बिल पेबल है जी, उसके बाद फिक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है वो आपका कैपिटल प्लस उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा, ड्राइंग्स माइनस होगी, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये दोनों साइड जो है इनका अपने अलग अलग आंसर जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देना, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट ये आपका पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने जो हमारा जो है वो सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे गिवन है। डियर स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर का सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें आपके एडजस्टमेंट जो हमको पहले पढ़ लेते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग है आपके रुपीज़ 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 7000 है। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं जी, बाकी क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या गिवन है। तो बाकी क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक है, फैक्ट्री रेंट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगी, कैश करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, सैलरीज जो हैं ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, डेटर्स करंट एसेट्स हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैपिटल जो है फिक्स लाइबिलिटी में, डिस्काउंट जो डेबिट साइड वाला ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और जो क्रेडिट साइड वाला ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, सेल्स है, ठीक है जी, सेल्स जो है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो अब यहाँ पे हम इसका जो है वो सोल्यूशन देख लेते हैं, ये आपके सामने सोल्यूशन इसका आ गया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज आ गई, फैक्ट्री रेंट आ गया, वेजेस और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो आपने वेजेस में ऐड करने हैं। यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें तो आपका सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसमें आंसर कैलकुलेट करना आपने, ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, इस वजह से ये ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, इसी लॉस को यहाँ पे शिफ्ट किया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मशीनरी की उधर कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट में, सैलरीज और उस सैलरीज के अंदर जो है वो आपने जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ऐड होनी है, इस तरह से ये टोटल कैलकुलेशन आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है 5000 आ गया, यहाँ पर भी क्योंकि ऊपर वो लॉस हो उसी वजह से यहाँ पर भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का कम होगा, तो नेट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल। मूव करते हैं बैलेंस शीट में, करंट एसेट आ गया यहाँ पे, डेटर आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मशीनरी में से 10% डेप्रिसिएशन 1800 माइनस हो जाएगी, क्रेडिटर्स और जो आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी, सैलरीज थी, वो यहाँ पे आ गए। फिक्स लाइबिलिटीज है जिसके अंदर कैपिटल में से नेट लॉस माइनस होगा और लेस ड्राइंग्स, तो इस तरह से ये आप टोटल करेंगे, ये आपका जो है वो टोटल हो जाएगा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो फेज नंबर 5 में BOC कैटेगरी के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू वेरी मच।